वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट की जो कि हमारा है संधि के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है संधि का। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने कल अपलोड कर दिया था, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट है, लघुर्मि में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यण स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लघुर्मि की बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्ता प्लस अलाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस अलाप या फिर वार्ता प्लस आलाप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ता प्लस आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हितै प्लस अशी, हित प्लस ऐशी, हित प्लस ऐशी या फिर ही प्लस अशी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हितैषी की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, हित प्लस ऐशी। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म या फिर पुन प्लस जनर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी सही संधि विच्छेद की तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस मल, निह प्लस मल, नि प्लस रुमल या फिर नी प्लस मल। तो फ्रेंड्स, निर्मल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, निह प्लस मल। नेक्स्ट है, मुनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुणस्वर संधि या फिर यण स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुनीश की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? देवेश्वर्य, देवैश्वर्य, देवीश्वर्य या फिर देवोश्वर्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, देवेश्वर्य। यहाँ पे देवी प्लस ऐश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, भाऊ प्लस उकाह किसका संधि विच्छेद है? भौक, भावुक, भौमक या फिर भौक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावुक का संधि विच्छेद होगा, भाऊ प्लस उकाह। नेक्स्ट है, वाक प्लस में किस शब्द का संधि विच्छेद है? वाक में, वाड़ में, वायकोम या फिर वाक्यम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, वाक में यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास, विद प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास या फिर विद्या प्लस भ्यास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ और आ मिलकर विद्या अभ्यास को बना रहे हैं। नेक्स्ट है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पित्रा प्लस आदेश या फिर पिता प्लस देश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, पितृ प्लस आदेश, यहाँ पे पित्रादेश का सही का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? दो, तीन, चार या पांच? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें संधि के सही विच्छेद की वो भेद की, कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे संधि के जो भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं तीन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। अभी आप बात करें कि वो तीन भेद कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन इसके भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, विसर्ग संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है या भेद नहीं है। नेक्स्ट है,
किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो फ्रेंड्स अगर हम य र ल व की बात करें तो ये होता है हमारा यण संधि में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयाधि संधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग और स्वर या फिर विसर्ग और व्यंजन का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? उत प्लस अय, किम प्लस चित, जगत प्लस नाथ या फिर पौ धन अन? तो फ्रेंड्स अगर हम व्यंजन संधि की बात करें जो व्यंजन संधि में नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, पौ धन अन, ये आता है हमारा अयादि संधि में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि या फिर अयादि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक में संधि है हमारी यण संधि। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? दिग्गज, निर्विकार, अहंकार या फिर संसार? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, निर्विकार में हमारी व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? निह प्लस कपट, पदह प्लस उन्नति, सरह प्लस ज या फिर निह धन उपाय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पव प्लस अन्न, पव प्लस न, पह प्लस अवन या फिर पो प्लस अन्न? तो फ्रेंड्स अगर हम पवन के सही संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस यादि, इति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, इति प्लस आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, यशो गान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशः प्लस गान, यशो प्लस गान, यशः प्लस उगान या फिर यशो प्लस उगान? तो फ्रेंड यशो गान की बात करें तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, यशः प्लस गान यशो गान का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? निश्चय, निष्ठुर, नितांत या फिर निश्चल? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारी विसर्ग संधि नहीं है। फ्रेंड्स विसर्ग संधि को आप एक और ट्रिक है जिससे आप पहचान सकते हैं, इसमें आधा शाह ये आते हैं तो ये हमारी विसर्ग संधि आप इससे पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आधा शाह आ रहा है, यहाँ अभी आधा शाह है और यहाँ भी आधा शाह है, तो ये विसर्ग संधि का ये ट्रिक है पहचानने की। नेक्स्ट है, महोदय का उचित संधि विच्छेद है? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महो प्लस दय या फिर महा प्लस उदय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उदय महोदय का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, महो शुद्धम में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर अयाधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, महो शुद्धम में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट आते हैं, निश्चल में कौन सी संधि है? देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप उससे इसको बता सकते हैं, विसर्ग है, यण है, दीर्घ है या फिर गुण है? तो फ्रेंड यहाँ आधा शाह आ रहा है, ये हमारी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, विपजाल शब्द का संधि विच्छेद है? विपह प्लस जाल, विपद प्लस जाल, विपस प्लस जाल या फिर विपद प्लस जाल? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, विपद प्लस जाल विपजाल का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, कपीश में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण और यण? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कपी में तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस अयन, नहा प्लस अयन, ने प्लस अन या फिर नया प्लस अयन?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी है राइट आंसर, ने प्लस अन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है, अत्याचार, स्वागत, तथैव या फिर अत्यधिक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर है, तथैव यहाँ पर यण संधि का शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।